आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप अपनी अलमारी खोलते हो और आपको लगता है कि अरे बाप रे कितने सारे कपड़े हैं जो कभी हम इस्तेमाल नहीं करते और ना हम उसको किसी को देते हैं और ना फेंकते हैं, और हम सब बाहर निकालते हैं और फिर एक एक करके किसी की कोई याद आती है, किसी के बारे में कोई ख्याल आता है, और ऐसे करके हम सब एक एक चीज़ वापस रखते जाते हैं। तो एक वो जो सेंटिमेंट, एक जो वैल्यू, एक जो मेमोरी है, वो एक बहुत अनमोल चीज़ है। जब मेरे पति का अमेरिका तबादला हुआ और मैं उनके साथ गई, और बहुत जल्दी मैंने रियलाइज़ किया जब हम वहाँ रहने लगे और हमने अपार्टमेंट में, कॉन्डो जिसको कहते हैं वहाँ पे, हम जिसको फ्लैट कहते हैं इंडिया में, हम जब कॉन्डो में रहने लगे, मेरे सारे अमेरिकन पड़ोसी थे, उनसे जैसे धीरे धीरे मेरी जान पहचान बनने लगी, मेरी और मेरे पति की, हमारी, तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, ये वैसे नहीं है जो हमारी एक इमेज थी इनके बारे में। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी जो उनकी एक बहुत बड़ी हॉबी थी, और वो थी क्विल्ट्स बनाना। एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिस तरह से वो पैटर्न्स बनाते थे, वो कपड़े काट रहे हैं, पैचवर्क बन रहा है, एप्लीक वर्क बन रहा है, और वो एक इतना सुंदर चीज़ बन जाती थी। वो छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े जो हैं वो इकट्ठे होके इतने सुंदर बन जाते थे। तो मैंने और चाहा जानना उसके बारे में, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली ये तो एक बहुत बड़ा अमेरिकन पार्ट है, मेकिंग ऑफ क्विल्ट्स फॉर पीपल यू लव, मेकिंग प्रेजेंट्स फॉर पीपल यू लव। उनकी क्विल्ट्स जो हैं वो बहुत पुरानी पुरानी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं। और फिर मुझे याद आया कि एक्चुअली तो मेरे भी कबर्ड में मेरी नानी की बनी हुई एक छोटी सी, वो कहते ना पूजा की थाली ढकने वाला कपड़ा है जो उन्होंने बनाया था, और वो आज तक मेरे पास है और मैं उसे नहीं फेंक पाई। तो समझ में आया कि एक सेंटिमेंट, एक फीलिंग, एक इमोशन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ साफ़ सफाई और प्रैक्टिकल नहीं होती, और उसको आप कोई मोल नहीं लगा सकते। मनी कैन नॉट बाय वाली चीज़ है। नमस्कार, मैं तरुणा सेठी फ्रॉम सिंपली ब्यूटिफुल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेबी क्विल्ट जो रेल फेंस ब्लॉक से बना रहे हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। आज हम रेल फेंस बनाएंगे, और उसके लिए सबसे पहले हमने ये फैब्रिक्स सिलेक्ट किए हैं। अब हम इसको, कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। स्टार्टिंग में भी ये जो थोड़ा कपड़ा ज्यादा है, कहीं आगे है कहीं पीछे है, देखिए चाहे मैंने कितना तय किया, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क, लेकिन वो थोड़े से फर्क में ही फिनिश की बात है। और उठाने से पहले चेक कर लीजिए कि कपड़ा कटा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं कटा तो वो खिसकना नहीं चाहिए। एक बार ये कट गया, अब आप देखिए बिल्कुल सीधी धार आ गई। मैंने आपको क्या कहा, हम ढाई ढाई इंच के पट्टे लेंगे, तो हम इसको इस तरह से ढाई ढाई इंच के तीन या चार अभी काटते हैं शुरू में, सारे नहीं काटेंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी ही काटेंगे। तो ये मेरे कटे हुए स्ट्रिप्स मेरे पास तैयार हैं, मैंने पहले से काट के रख लिए हैं, और अब हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे। आप देखिए मिलाना भी बहुत ज़रूरी है, इसको मैच सही तरीके से करना है। अब जो हमारे टेलर्स हैं उन लोगों को आदत होती है, वो सारा दिन सुबह से शाम यही काम करते हैं, तो उनका काम जो है बहुत प्रिसाइज होता है। लेकिन मेरे जैसा जो कभी कभी क्विल्टिंग करता है, उसके लिए मुझे बहुत होता है कि मैं इसको पिन के साथ पिन कर दूँ। तो जैसे हमने इसको पिन अप कर लिया, अब हम इसको अपनी मशीन के पास लेके आएंगे। जब हम इतने नज़दीक आ जाते हैं तो देखिए मैं ये पिन निकाल देती हूँ ताकि फिर हमारी मशीन की सुई ना टूटे। वो बहुत ध्यान रखना, थोड़ा सा अटेंटिवली वो करना है ऐसे। अब हमने ये दो रंग जोड़ लिए। अब हमने देखा हमारे इस पैटर्न में हमने लाल सेंटर में लिया, और उसके बाद हम येलो कलर उसी तरह से पिन करेंगे जैसे हमने ब्लू किया है, इस तरह से।
अब हमने तीनों कपड़े ज्वाइन कर लिए हैं और अब हम अपनी मशीन से इसको निकाल के क्विल्टिंग में आयनिंग इस्त्री करना, हर स्टेज पे इस्त्री करना बहुत ज़रूरी है। जो भी डार्क साइड कपड़ा है ना, आप उस तरफ जो ज्वाइंट किया है हमने, जो सीम अलाउंस है, वो उस तरफ चलते चले। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है अगर आप ये नहीं करना चाह रहे और अगर आप थोड़ा सा और डिटेल करना चाहें तो ये दोनों सिलाइयों को खोल के ऐसे, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन वो फिनिशिंग में जो बात बनती है ना वो कुछ अलग ही है। इस तरह से आपने इसको पूरी तरह से फ्लैट कर लिया। अभी भी ये सेल्वेज बची है तो मैं थोड़ी सी ये रोटरी कटर के साथ सीधा कर लूंगी, क्योंकि ये 6.5 इंच है तो मैं स्क्वायर भी 6.5 का ही बनाऊंगी, तो ये यहाँ भी मैं 6.5 इंच पे ही कट करना चाहूंगी। अब आप देखिए, क्योंकि मैंने ये खोला है तो मेरा कटिंग बहुत आसान हो गया है। हमने पहले से थोड़े से ये ब्लॉक्स काटे हुए हैं। अब आप उसे पूछेंगे ब्लॉक क्या होता है, तो आप जब कोई पैटर्न पढ़ेंगे किसी पैटर्न बुक में से या मैगजीन में से या इंटरनेट से, तो आप ये वर्ड बहुत देखेंगे क्विल्टिंग में, ब्लॉक। तो ब्लॉक है ये एक जो पीस बन गया है जिसको आपने अब अनेकों बनाना है। ये आपके अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिसको हमने जोड़ा है, तो ये तकरीबन एक स्क्वायर ही होता है। तो क्योंकि ये 6.5 था तो हमने इसलिए इसको भी 6.5 की कटिंग दी है। तो ये ब्लॉक्स हैं और अब हम इनको कैसे अरेंज करना है ये हमारे ऊपर है। तो हमने इसको ऐसे लेआउट कर दिया है। अब देखिए, ये अब हमने 4 ब्लॉक, अब ये हमारा बड़ा ब्लॉक बन गया है। अब हम इनको जॉइन करेंगे और उसके लिए भी पिन ज़रूर करिएगा। पिनिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल ध्यान से मिलाना है, पॉइंट टू पॉइंट। तो इस प्रकार हम पिन करके कुछ सीम टुगेदर कर ले। आप देखिए, मैं पिन निकाल लेती हूँ। अब आपने देखा कि मैंने ये जोड़ा है और इसको मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि मैं इसके आगे ही अगले को ले लूँगी। हमने ये फिनिश कर लिया, अब हम इसको फिर से आयरन करेंगे। मैंने आपको बताया था, सारे प्रेस कर ली हैं जो थोड़े बहुत मेरे को अभी आपको दिखाना है। अब देखिए, इसको अरेंज करने के लिए हम कैसे आमने सामने ला रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये एक ब्लॉक तैयार हो गया और उसी तरह से हम एक और ब्लॉक रेडी कर लेंगे। देखिए, अब इसका भी, इसको अब इन दोनों को जोड़ेंगे। इसको पिन जब करेंगे तो सेंटर से शुरू करिएगा। ये बना लिए और अब हम इनको उसी तरह से, सिर्फ जहाँ पे जोड़ा है, जहाँ हमने सीम टुगेदर किया है, उसको हम खोल के प्रेस कर लेंगे।
हमारी आयनिंग रेडी। हमने इनको प्रेस कर लिया है और अब हम इनको और जोड़ते जाएंगे, और यही क्रिया से आप इसको बढ़ते बढ़ते जो साइज आप चाह रहे हैं, जितना चाह रहे हैं उसको कर सकते हैं। और ये फिर हमने इसको रेडी कर दिया। अब ये सारा हमारा पैचवर्क, या जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में पीसिंग कहते हैं, आप अक्सर देखेंगे, मैं हमेशा बोलूँगी वहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे तो जो वहाँ है वो वेस्ट है। तो अब हमारा ये सेंटर वाला जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम इन्हें बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। ये बॉर्डर अब हम इसका फैब्रिक काटेंगे और बनाएंगे। इसमें हमने क्योंकि ईजी रखना चाहा है तो हमने हर चीज़ ढाई ढाई इंच के उसमें ही काटा है साइज़ में। तो हमारे सारे पट्टे जो हैं वो 2.5 इंच के ही उसमें चल रहे हैं। हर बार जब मैं फाइनल कट करूँगी मैं एक ज़रा सा ट्रिम ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि चाहे कितना भी तय करके मैं रखूँ वो थोड़ा सा हिल जाता है। तो ये मैंने ट्रिम कर लिया और अब मैं ढाई ढाई इंच के तो अब हम इनको सिलना शुरू करेंगे। मैंने ये पहले से काट के भी रखे हुए हैं थोड़े से पीसेस, जैसे हमने पहले आपको बताया कैसे ये तीनों कपड़े जोड़ने हैं, सीम टुगेदर करने हैं, उसी तरह से हमने इसको किया है। उसी तरह से जैसे हमने आपको आयन करना सिखाया है, या आप सब जो जॉइंट्स हैं, सीम अलाउंसेस हैं, एक तरफ करिएगा या आप बीच में खोलिए, उसी टेक्निक को हमने यहाँ भी फॉलो किया है और हमने उसी तरह से उसको खोल के प्रेस कर दिया है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल्वेज, जिसको हमारे यहाँ बॉर्डर बोलते हैं, वो निकाल देना, क्योंकि वो थोड़ा मोटा भी होता है, अनइवन होता है, तो वो दिक्कत आती है जोड़ने में। ये ऐसे हमने उसको काट दिया सेल्वेज को। तो अब हमारी ये बॉर्डर हमने तीनों रंग मिला लिए और अब हम इसको जोड़ेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया है ये दोनों कोने मिलते हुए, एंड्स मिलते हुए, तो इसके लिए हमको ये थोड़ा एक्स्ट्रा बॉर्डर बाहर रखना होगा। ऐसे पिनिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, हमेशा उसको आप नहीं भूलेंगे। आप इसको ऐसे पिन अप कर लीजिए। हमने ये 6 से 7 इंच का बॉर्डर बाहर निकालने के बाद इसको हम जोड़ देंगे, सीम टुगेदर कर देंगे। तो अब हम ये चारों तरफ इसको करेंगे। आप याद रखिएगा कि चारों साइड, मतलब यानी इसके दो साइड, यहाँ के दो साइड, यहाँ के दो, 8 बार आप ये 6 से 7 इंच कपड़ा बाहर निकालेंगे और फिर आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो मेरा ये परफेक्ट हो गया। वैसे ही अब पिनिंग करना है, हर साइड में आपने इसको पिन करना है। अब ये जो हम आपसे बात कर रहे थे कि ये जो इंटरसेक्ट करना है इसने, ये देखिए अब ये खुल जाएगा जब साइड, तो इसका इंटरसेक्शन जो है हमें बहुत ध्यान से इसको हमको पिन करना है। इसको आपने जब पिन कर लिया है, देखिए मैंने ये ब्लॉक को भी पिन कर दिया है और ये अब ये कंटिन्यू होगा। अब मैं इसके बेसिस से ये देखिए एक लाइन ड्रॉ करूँगी, स्ट्रेट लाइन, और एक चौक से मैंने लाइन बना दी।
अब ये फिनिश्ड हमने इसको जोड़ लिया है स्ट्रेट लाइन बना के कंटिन्यूस, और अब हम ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम ट्रिम कर लेंगे। और ये हमारा कॉर्नर तैयार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एकदम परफेक्टली रेडी हो गया। अब हम इसको फिर से आयन कर लेंगे और ऐसे ही हम चारों तरफ अपना फिनिश कर देंगे। और ये हमने अपना चारों तरफ बॉर्डर लगा लिया है, और अब ये हमारा बहुत अच्छे से बायस भी बन गए हैं, कॉर्नर्स भी मैच हो गए हैं, और अब हम इसको फिनिश करेंगे। तो जिसको कहते हैं फिनिशिंग ऑफ अ क्विल्ट और क्विल्टिंग ऑफ अ क्विल्ट, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको पैचवर्क कहते हैं हम लोग, और वेस्ट में इसको पीसिंग कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग फैब्रिक्स के पीसेस हमने जोड़े हैं। सो वी हैव डन पीसिंग, और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के लिए हमको एक तो ये पैडिंग लगेगी, जिसको हम इंडिया में पैडिंग बोलते हैं और बाहर इसको बैटिंग बोलते हैं। और इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं, तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, बिंदीज, तो वो बेसिकली इसको फ्यूजिबल बैटिंग कहते हैं, क्योंकि ये जब आप प्रेस करोगे कपड़ा ऊपर रख के तो ये चिपक जाएगा। तो जो चीज़ चिपक जाती है उसको हम फ्यूजिबल कहते हैं या फ्यूजिंग, तो ये फ्यूजिबल बैटिंग है। और अगर आपको दोनों लेयर्स करने हैं तो दोनों तरफ लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल फिनिश करने के लिए एक ही तरफ कर सकते हैं। तो ये फ्यूजिबल में ये दानेदार हिस्सा जो मैं बोल रही हूँ बिंदी वाला हिस्सा है, वो ऊपर आएगा ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर जो हमने लास्ट में लेयर लगानी है आखिरी कपड़े की, वो हम अरेंज करेंगे। आप ये जब कपड़ा लगाएंगे फ्यूजिंग के ऊपर, फ्यूजिबल के ऊपर, तो डॉट्स वाला हिस्सा ऊपर आया, उसके ऊपर आपने जो कपड़ा लगाया है आपने उल्टी तरफ अंदर रखा है और सीधी तरफ ऊपर है, राइट साइड अप, सीधी तरफ, ये फिनिश साइड है, तो ये आप ऊपर रखेंगे। और आप देख रहे हैं मैंने गैप रखा है थोड़ा सा, ये फ्यूजिबल ज़्यादा लिया है और ये कपड़ा उससे छोटा है। और अब हम इसको आयन कर देंगे, क्योंकि हमें हमारा काम इजी करना है उसके लिए ये हमने फ्यूजिबल यूज। और अगर नहीं मिलता तो कोई टेंशन नहीं है, आप नॉर्मल फ्यूजिंग भी ले सकते हैं, और उसके साथ आप जब फिनिश करेंगे अज्यूम करिए कि ये फ्यूजिबल नहीं है और ये नॉर्मल फ्यूजिंग है, तो पैडिंग है, बैटिंग है, जो आप आपकी तरफ जो समझ में आए, क्योंकि हमारा देश भी तो इतना बड़ा है कि हर जगह अलग अलग नाम होते हैं उसी चीज़ की, एक चीज़ के कितने सारे नाम हैं हमारे देश में, तो कहीं पे इसको बैटिंग के नाम से मिलता होगा किसी शॉप में और कहीं पे ये पैडिंग के नाम से होगा। तो जब ये हम इकट्ठा कर लेंगे तो, और इसमें आपका अगर फ्यूजिबल नहीं है, फ्यूजिंग नहीं है, तो हम अपनी क्विल्ट को बहुत ध्यान से तीनों लेयर्स, ये तीन लेयर्स की मैं बात कर रही थी, ये फिनिश्ड लेयर, ये हमारा पैडिंग बैटिंग, और ये हमारा लास्ट लेयर, हम इन तीनों को बहुत ध्यान से पिन कर देंगे हर जगह पे। आपने एक चीज का बहुत ध्यान रखना है जब इसको यहाँ से पिन अप करोगे कि पीछे भी कोई सिलवट ना आए, कोई बबल ना आए, एकदम नीटली आपने बहुत ध्यान से इसको पिन करना है, और बीच बीच में भी पिन करिएगा। जो मैं पहली सिलाई लूंगी ना, मैं वो यहाँ से शुरू करके पूरा आखिर तक चलूंगी, ताकि ये जो मेरे तीन लेयर्स हैं जिसको सैंडविच बोलते हैं, टॉप बैटिंग वाला, मिडल एंड द लास्ट, वो फिक्स हो जाए।
वो फिक्स करके फिर हम चारों तरफ बढ़ेंगे और ये ऐसे हम इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए, ये बैक साइड से आप देखिए कि हमने वो यहाँ से स्टिच करके और फिर हमने बॉर्डर्स को स्टिच कर लिया और ये फिक्स हो गया। ये ऐसे तैयार से ट्रिम करना है, तो बस हमने इसको इस तरह से ट्रिम करना है, चारों तरफ से इसको फिनिश कर देना है और फिर वी आर रेडी फॉर आर लास्ट स्टेप, जो हमारी आखिरी स्टेप है जिसको हम लोग पाइपिंग कहते हैं और अमेरिका कनाडा में इसको बाइंडिंग बोलते हैं। तो बस हम ये बाइंडिंग बनाएंगे और इसका ट्यूटोरियल आप मेरे दूसरे वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे हम ये बाइंडिंग बनाते हैं और कैसे हम इसको फिनिश करेंगे। और फिर हमारी ये क्विल तैयार, और मेरे पास काफ़ी सारा ये फैब्रिक बच गया था तो मैंने उसी को यूज़ करके एक क्विल्ट बैग भी बना दिया जिसमें अब हम ये क्विल्ट में डाल के किसी को गिफ्ट भी कर सकती हूँ और फिर बाद में वो बेबी के सामान के साथ यूज़ हो सकता है।